यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सौरभ फ्लोर मिल्स लिमिटेड फ्लोटेड अ पब्लिक इशू ऑफ 150,000 इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच एट पार। एबीसी एंड कंपनी हैज़ बीन टेकन अंडर रेटिंग ऑफ दिस इशू इन इक्वल शेयर। ए बी एंड सी तीन लोग हैं विद अ फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 25,000, 20,000 एंड 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर रुपीज 146,000 आउट ऑफ विच द मार्क्ड एप्लीकेशन आर एज अंडर। Credit of unmarked application is to be given to underwriter equally. The agreed commission is this. Amount payable is this. हमें निकालना है, compute the following. Liability of each underwriters in share as well as in amount. Commission due to underwriter. Net cash paid, received from underwriter. Also pass general entry for the effort. So friends, पहले इस question को समझ लें। हमारा issue size जो है, issue है हमारा 150,000 शेयर का, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी वो 146,000 है। इसका मतलब है ये है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, इसमें फर्म इंक्लूडेड है, ठीक है जी। तो अब इसमें से पहले आप फर्म की अंडरराइटिंग माइनस करें, फर्म अंडरराइटिंग माइनस करते हैं। कितनी है फर्म की अंडरराइटिंग? 25, 20 और 20, तो ये होती है 65,000, ठीक है जी। तो ये हमारी आती है 81,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फर्म, ठीक है जी। ये आ गया हमारा एक्सक्लूडिंग फर्म। अब इसके आगे देखें, इसमें से मार्क्ड कितनी है? मार्क्ड हमारी क्वेश्चन में दे रखी है ए बी सी की 24,600, 15,000 और 20,000। तो ये आ गई हमारी 59,600, ठीक है जी। तो 81,000 में से 59,600 कम कर देंगे तो ये हमारी अनमार्क्ड निकली एक्सक्लूडिंग फर्म। अब हमें यहाँ पर फर्म के केस में दो कंसेप्ट चलते हैं कि आपने इनको मतलब फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट देना है कि नहीं देना है, ठीक है जी। अगर हम फर्म अंडरराइटिंग के बेनिफिट को देने की बात करते हैं तो फिर वो डायरेक्ट माइनस हो जाती हैं, लेकिन अगर हम फर्म अंडरराइटिंग के बेनिफिट को देने की बात नहीं करते हैं तो फिर हमारी वो क्वेश्चन से उसे हम फर्म अंडरराइटिंग को हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानते हैं, ठीक है जी। और उस अनमार्क्ड एप्लीकेशन की जो बढ़ती है वो उसी रेशियो में बढ़ती है, ठीक है जी। जो लायबिलिटी के रेशियो होते हैं उन्हीं में बांटते हैं। सो, अब यहाँ पर हमें डिपेंड करता है कि हम क्या मानें। कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम ये मान लेते हैं, क्या माने इसमें, एज्यूम कर लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग Not given। अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, फर्म अंडरराइटिंग को हम क्या मानेंगे, अनमार्क्ड मानेंगे। और टोटल अनमार्क्ड हमारी जो बनेंगी वो 86,500 बनेगी, ठीक है जी। फिर टोटल अनमार्क्ड हमारी 86,500 रहेंगी। तो अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ
underwriters. तीन underwriters हैं. ए बी सी टोटल, इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो इक्वल है तीनों की 50-50,000, तो ये 1.5 लाख हो गया. ठीक है, इसमें से आप मार्क्ड माइनस करें और अनमार्क्ड माइनस करें. अनमार्क्ड में मैंने बताया इसमें फर्म भी इंक्लूड करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हमने ये माना है कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देना है. ठीक है, 86,400 हमारी अनमार्क्ड है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो तीनों को आएंगी 28,800. ठीक है, और मार्क्ड हमें दे रखी हैं 24,600, 20,000, 15,000, ये है हमारी 59,600. ठीक है जी. सो ये 4,000 एप्लीकेशन का हमारे पास आ गया कि किसके रह गई हैं. यहाँ 3,400 हमारी सरप्लस आई और यहाँ 1,200 और ये 6,200. फिर हम क्या लिखेंगे? एक ही जो एक्सेस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे बी और सी में. फिर हम लिखेंगे बी की एक्सेस कर देंगे ट्रांसफर सी को. तो ये हमारी अब इसमें आप जो फर्म अंडरराइटिंग है उसकी कमिटमेंट को आप ऐड कर दें. क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है फर्म अंडरराइटिंग की कमिटमेंट, 25-20-20, 25-20-20, 65,000. सो 69,000 की आपकी लायबिलिटी पता चल गई कि किस किस अंडरराइटर को अप्लाई करना है और कितना करना है. ठीक है, अंडरराइटर की लाइबिलिटीज आ गई. अब आगे देखें तो पहला तो क्वेश्चन निकाल दिया, इनसेयर एज वेल एज अमाउंट है, कोई बात नहीं. हमें एप्लीकेशन पे कितना देना है, कुछ लिखा है? यस लिखा है, 5 रुपए. सो अमाउंट पेबल एट द रेट ऑफ 5 रुपए पर शेयर है, ये 1,25,000, ये 1,00,000 और ये 1,20,000, तो ये 3,45,000 रुपये हो गया. दूसरा है कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स. ठीक है, तो चलिए इसकी अब अगली वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारे ए बी सी हैं. कमीशन है वो है एट द रेट ऑफ कितना है, क्वेश्चन में दिया है कितने परसेंट है कमीशन, 5% है. 5% दैट इज 0.5 रुपीज़ पर शेयर. तो 50,000 शेयर की इनकी एप्लीकेशन थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये कमीशन ड्यू आ गया. ठीक है, और
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है वो हमारी है 1,25,000, 1,00,000, 1,20,000, 3,45,000. सो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, इनमें 1,00,000 रुपए देना है, ये 75,000 और ये 95,000, 2,70,000. ठीक है, चलिए आगे पढ़ें. नेट कैश पेड और रिसीव्ड, पास द जनरल एंट्रीज फॉर दी सेम. चलिए जनरल एंट्रीज लिख लेते हैं. जनरल एंट्रीज बोला है, इसका मतलब है कई एंट्रीज हैं, तो हम पूरी ही एंट्रीज पास करेंगे. ठीक है जी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एबीसी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये हमारा 7,50,000 से हो जाएगा. ठीक है जी, और अच्छा अभी हमने अकाउंट्स में जो डेबिट होंगे ये 1,25,000, 1,00,000, 1,20,000 और यहाँ पर आ जाएंगे 4,05,000. ठीक है जी, इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारे 7,50,000. फिर तीसरी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू $25,000, ये हो गए 75,000. और चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी. ए से मुझे थोड़ी कहीं गड़बड़ हो गई क्या, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें. सो 69,000 हो रहा है ना, तो 69,000 का 5 रुपये से 3,45 ही होता है, बिल्कुल ठीक है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इसका आएगा 1,00,000, इसका 75,000 और ये 95,000, 2,70,000 रुपये. ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. चलिए, मुझे लगता है समझ आ. Thank you.